नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 74,383 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 70,53,807 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के कुल 8,67,496 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 60,77,976 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं बात अगर विश्वभर की जाए तो विश्वभर में अब तक कोरोना वायरस से 3,71,02,281 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 10,71,308 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस युवती की बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने रविवार सुबह भारतीय दंड संहिता के सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इससे पहले मृतका के भाई की शिकायत पर हाथरस जिले के चंदपा थाने में इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 14 सितंबर को आरोप लगाया था कि आरोपियों ने बाजरे के खेत में उसकी बहन का गला घोंटने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और उसके बाद भारत सरकार की अधिसूचना के बाद सीबीआई ने संबंध में मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 46 उम्मीदवारों की रविवार को घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार रात हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सूची में दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भारत की 6 सदस्यीय जूडो टीम हंगरी के बुडापेस्ट में 23 से 26 अक्टूबर के बीच होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम 2020 में भाग लेगी। भारतीय टीम में 2 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी तथा 1 कोच शामिल हैं। सरकार इस दल का खर्चा वहन करेगी। टीम प्रतियोगिता के लिए 19 अक्टूबर को रवाना होगी। टीम को रवाना होने से पहले कोविड-19 के 2 नेगेटिव परीक्षण के चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। महिला टीम में मणिपुर की 25 वर्षीय सुशीला देवी 48 किलोग्राम और दिल्ली की 22 वर्षीय तुलिका मान 78 किलोग्राम शामिल है। पुरुष टीम में पूर्व ओलंपियन और 28 वर्षीय अवतार सिंह 100 किलोग्राम, पंजाब के 22 वर्षीय जसलीन सिंह सैनी 66 किलोग्राम और 24 वर्षीय विजय यादव 60 किलोग्राम शामिल हैं। इन 5 खिलाड़ियों के साथ कोच जीवन शर्मा भी हंगरी जाएंगे। सेंट्रल न्यूज की पूरी टीम सभी देशवासियों से ये अपील करती है कि देश लॉकडाउन से अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है। ऐसे में कोरोना वायरस को भूलने की भूल बिल्कुल भी ना करें। मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि जब आप सुरक्षित होंगे तभी देश भी सुरक्षित होगा। जान है तो जहान है, इसलिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।